हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल तैयारी जीत की। अभी हमने पिछली वीडियो में पोएम नंबर 3 जो है हमारी ए टाइगर इन द जू, इसके स्टेंजा पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनके बारे में हमने जाना था, उनके आंसर्स जाने थे। आज हम बात कर रहे हैं इसी पोएम की, जो पोएम नंबर 3 है ए टाइगर इन द जू, वो इसके स्टेंजा बेस्ड क्वेश्चन आंसर के बारे में आज हम बात करेंगे, जो स्टेंजा नंबर 3 है। तो स्टेंजा नंबर 3 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो स्टेंजा नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? द टाइगर इज स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल एज इन ट्रू और फॉल्स, कि जो चीता है वह स्नार्लिंग माने गुर्राता है अराउंड हाउसेस, घरों के चारों ओर जो चीता है वह गुर्राता है एट द जंगल्स, जंगल में, जंगल्स एज इन इज ट्रू और फॉल्स, क्या ये बात सही है कि जंगल में घरों के चारों ओर जो चीता है वह गुर्राता है, क्या ये बात सही है अथवा गलत है? तो उत्तर में क्या है, द टाइगर इज स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज इज इट इज ट्रू। तो जो चीता है वह गुर्राता है, हाँ वास्तव में वह गुर्राता है घरों के चारों ओर जंगल में, वह गुर्राता है, इट इज ट्रू, यह बात सत्य है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दो क्या है, हु टेररिज्ड बाई द टाइगर्स, कौन लोग ऐसे हैं जो भयभीत हैं अथवा आतंकित हैं टाइगर के द्वारा, चीते के द्वारा कौन लोग भयभीत अथवा आतंकित हैं? तो उत्तर में क्या आया है, द विलेज पीपल टेररिज्ड बाय द टाइगर, जो गांव के लोग हैं वह चीते के द्वारा भयभीत या आतंकित हैं। अब क्वेश्चन नंबर तीन क्या है, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, कि ये जो कविता है ए टाइगर इन द जू, इसके कवि कौन हैं, इसके बारे में बताना है। तो उत्तर क्या है, लिस्ली नोरिस हैं इज द पोएट ऑफ द पोएम ए टाइगर इन द जू, तो लिस्ली नोरिस हैं वह इस कविता ए टाइगर इन द जू के कवि हैं। क्वेश्चन नंबर चार के विषय में बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर चार है, व्हाट डिड द टाइगर शो द विलेजर्स, जो चीता है वह गांव के लोगों को क्या दिखाता है? तो उत्तर आया है, द टाइगर शोड हिज वाइट फैंग्स एंड हिज क्लोज टू द विलेजर्स, जो चीता है, जो टाइगर है, वह दिखाता है, क्या दिखाता है, अपने सफ़ेद पहने हुए दांत और अपने पंजों को गांव के लोगों को दिखाता है। तो इस तरह से ये हमारी जो पोएम नंबर 3 थी, इसका ए टाइगर इन द जू, इसका स्टैंजा नंबर 3 हमने कंप्लीट कर लिया है, इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम अगली जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू।